JEE Physics Paper 7th Gen 2020 Shift 1 Question Number 20. Two infinite planes, each with uniform surface charge density sigma, are kept in such a way that the angle between them is 30 degree. The electric field in the region shown between them is given by. Okay. तो अपने को फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन शोन बिटवीन देम. ओके, बीच में कहीं पे भी अपने को फाइंड करना, क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है. तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट है, ये भी इनफाइनाइट है, और यहाँ पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है. ओके, तो इस डायरेक्शन को इन्होंने एक्स बोला है और इसके वर्टिकल डायरेक्शन, ये डायरेक्शन वाई हो जाएगी अपनी. ठीक है, अब देखो ये मेरा इनफाइनाइट चार्ज है, क्या है, प्लस सिग्मा सरफेस चार्ज, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है. तो देखो अगर मैं दो पॉइंट कंसिडर करता हूँ, तो दो सेम डिस्टेंस पे पॉइंट कंसिडर करता हूँ, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है मैग्नीट्यूड, क्योंकि दोनों सेम डिस्टेंस है, सेम चार्ज से लिया मैंने, तो रिजल्टेंट मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, राइट. ओके, और यहाँ से देखो इस चार्ज शीट से देखूं तो यहाँ से भी दो पॉइंट कंसिडर करूं और इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं तो ये भी इसके एग्जैक्ट परपेंडिकुलर से आएगा इस तरफ, ठीक है. और ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैं ई बोलता हूँ तो ये भी मेरा मैग्नीट्यूड में ई होगा, और ये ई कितना होगा, ई होगा आपका सिग्मा बाई टू एप्साइलॉन नॉट. ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, दोनों डायरेक्शन कहाँ से लेंगे, जिस पॉइंट से आप देख रहे हो यहाँ से, तो इसके परपेंडिकुलर होगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, यहाँ से भी परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर क्यों आया मैंने समझा दिया, वापस देखो दो पॉइंट कंसिडर करो सेम डिस्टेंस पे, दोनों को चार्ज सेम रखो, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो रिजल्टेंट इधर सेम, यहाँ पे दो पॉइंट कंसिडर करो, एक का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एक का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो रिजल्टेंट इधर. ओके, अब एंगल देखना है अपने को, तो देखो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर यानी ये 90, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर यानी ये 90, और ये अपन ने मिड पॉइंट लिया है तो इसका मतलब ये कितना 15, अगर ये 15, ये 90 है, ये 15 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 75, ये भी हो जाएगा अपना 75, ये 75, ये 75, तो ये कितना होगा, ये 180 होगा ना पूरा, तो 75 75, 150 150, 180 माइनस 150, तो ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो ये भी क्या है 30 डिग्री. ओके, तो ये अपना आ गया 30 डिग्री, यानी कि वापस बनाते हैं यहाँ पे, ये आपका 30 डिग्री, और ये क्या है, ये ई है, और ये भी क्या है 30 डिग्री. अब देखो मेरे को एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में ही चाहिए, तो मैं इसको चेंज नहीं करता हूँ, ये तो मेरा वाई डायरेक्शन में, इसको चेंज कर देता हूँ, क्योंकि ये मेरा ना एक्स में ना वाई में, तो इसके मैं कंपोनेंट ले लेता हूँ, इधर आएगा, इधर मेरा आएगा ई कोस 30, और ये आ जाएगा ई साइन 30. ओके, तो देखो ई कोस 30 कितना हो जाएगा, ई कोस 30 यानी रूट 3/2, राइट, और साइन 30 मतलब 1/2, ठीक है. तो देखो यहाँ पे वाई डायरेक्शन में मेरा ई है, एक्स डायरेक्शन, सॉरी वाई डायरेक्शन में ई और माइनस ई रूट 3/2, और एक्स डायरेक्शन में माइनस ई बाई टू. तो मैं अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूँ तो देखो मेरा वाई डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में है माइनस ई बाई टू आई केप, और वाई डायरेक्शन में है ई माइनस ई रूट 3/2 जे केप, राइट. ओके, तो यहाँ से ई मेरा कॉमन आ रहा है, तो ई कॉमन ले लेते हैं, और आंसर के अकॉर्डिंग इन्होंने वाई को पहले लिया तो अपन भी वाई को पहले ले लेते हैं, तो ई 1 माइनस रूट 3/2 जे केप माइनस 1/2 आई केप, ठीक है. ई की वैल्यू क्या है, सिग्मा बाई टू एप्साइलॉन नॉट, और ये 1 माइनस रूट 3/2, इन्होंने जे केप को वाई केप बोला है तो वाई केप लिख लेते हैं, आई केप को इन्होंने एक्स केप बोला है तो एक्स केप लिख लेते हैं. तो आंसर कौन सा मैच हो रहा है, यहाँ पे आंसर मैच हो रहा है सेकेंड, तो आंसर क्या होगा, सेकेंड होगा, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपका. और वापस देख लो क्या क्वेश्चन था.